तो नमस्ते। तो अभी तक जो 4 दिन की चर्चा बनी रही है, हम लोग स्वयं को फोकस कर रहे थे, मानव के बारे में चर्चा कर रहे थे। अपने में व्यवस्था के लिए भी मुझे स्वयं में समझना होगा और समझकर मैं अपने में व्यवस्थित होकर जी पाता हूँ। उसी तरह से परिवार में व्यवस्था के लिए ये जो मानवीय संबंध है, जो ये संबंध का विज्ञान है, उसको समझकर हम परिवार में व्यवस्था के लिए भागीदारी कर सकते हैं। समाज में व्यवस्था में जो हमारी भागीदारी है, उसे मानव लक्ष्य को समझकर हर व्यक्ति में सही समझ और सही भाव, हर परिवार में समृद्धि, समाज में अभय और प्रकृति के स्तर पर परस्पर पूरकता, अस्तित्व के स्तर पर सह अस्तित्व, है ना, इसको समझकर ये जो मानव लक्ष्य है, इसके साथ हम उसकी पूर्ति के साथ मानव में व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाएंगे। लेकिन अभी हमारी चर्चा प्रारंभ हुई है प्रकृति में व्यवस्था। जो चर्चा को समझने का जो विधि है, वो अपने में जांच परख करना ही है। और इस सेशन में पर्टिकुलरली हम प्रकृति में मेरी क्या भागीदारी है ना, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो लगभग 25 मिनट का समय है हमारे पास, तो इस 25 मिनट में चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं अभी, तो जब प्रकृति को देखते हैं तो एक इकाइयों का समूह है ना। नेक्स्ट स्लाइड जा सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड जा सकते हैं। तो एक इकाई का समूह है, ऐसी अलग अलग तरह की इकाइयां हमारे इर्द गिर्द दिखती है। हवा, पानी, पेड़ पौधे, मिट्टी, पशु शरीर, मानव शरीर, स्वयं, मैं, ना, मानव, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, धातु, पंछी, हमारी सोलार गैलेक्सी और बहुत सारी सोलार गैलेक्सी। तो ये सभी का जो समूह है, इसे कहते हैं नेचर। सो नेचर इज द कलेक्शन ऑफ यूनिट्स। ये जितने अलग अलग इकाइयां दिखती है, उनको हम चार अवस्था में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये जितनी भी इकाई की बात हमने की, तो एक अवस्था हो सकती है पदार्थ अवस्था, हवा, मिट्टी, पानी, धातु, ये पदार्थ अवस्था के कुछ उदाहरण। दूसरी अवस्था हो सकती है प्राण अवस्था, पेड़ पौधे, है ना, ये उसके उदाहरण। तीसरी अवस्था जीव अवस्था, तो पशु पक्षी, ये उसके उदाहरण। और चौथी अवस्था ज्ञान अवस्था, मैं, आप, हम, या मनुष्य, ये एक ही उदाहरण इस अवस्था में देख सकते हैं। तो ये जो चारों अवस्था को कहा जा रहा है नेचर, प्रकृति। अब इन चारों अवस्था का संबंध अगर देखा जाए, नेक्स्ट स्लाइड, तो ये दिखता है कि ये अवस्था, जैसी पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था एक एग्जाम्पल के रूप में शुरुआत की, तो दिखता है कि ये परस्पर संबंध है, एक दूसरे पर आश्रित है। जैसी जो बीज है, ये पदार्थ अवस्था पर आश्रित है। तो पदार्थ अवस्था की जो मिट्टी है, हवा है, मॉइस्चर है, मिनरल है ना, इससे ये बीज अंकुरित होकर पेड़ बनता है, आश्रित है। लेकिन ये जो पेड़ है, सीजन जैसी बदल गए, पेड़ के हरी पत्ते सूखने लग जाते हैं, सूख कर वो जमीन के ऊपर गिरते हैं, और जमीन के ऊपर गिरने के बाद वो जमीन को और अधिक समृद्ध करते हैं। तो ये दोनों अवस्था का जो संबंध है, ये परस्पर पूरकता है, परस्पर संबंध है, एक दूसरे पे आश्रित है, चक्रीय है, और संबंध के निर्वाह में दोनों भी अवस्थाएं पुष्ट हो रही है, दोनों भी अवस्थाएं समृद्ध हो रही है। तो क्या हम इस संबंध को देख पा रहे हैं ये दोनों अवस्था में? हाँ, ना, चार बॉक्स से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इससे लेकर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। जो हैंड से उनको हम नीचे कर देते हैं, ताकि अभी की जो चर्चा हो रही है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पुटअप कर सकते हैं। ठीक, बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरी अवस्था है जीव अवस्था, पशु पक्षी। पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था का परस्पर पूरकता को हमने देखा। अब ये जो जीव अवस्था है ये भी प्राण अवस्था और पदार्थ अवस्था पर आश्रित है। ठीक, जैसे एक उदाहरण के तौर पर लिया तो ये जीव अवस्था का एक उदाहरण है गाय, ये प्राण अवस्था की घास को खाती है, ये जो घास है मिट्टी पर आ रही है। बदले में अगर देखा जाए तो जो गोबर है, गोमूत्र है, उससे पदार्थ अवस्था समृद्ध हो रही है, पदार्थ अवस्था के समृद्धि के साथ प्राण अवस्था समृद्ध हो रही है। तो ये पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था की जो निर्भरता है वो पदार्थ अवस्था पे है, पदार्थ अवस्था से ले भी रही है और पदार्थ अवस्था को वापस दे रही है, और ये लेन देन में दोनों भी अवस्थाएं समृद्ध हो रही है। जीव अवस्था को देखे तो जीव अवस्था प्राण अवस्था पे भी निर्भर है, पदार्थ अवस्था भी निर्भर है, लेकिन जब ये लेन देन अगर देखी जाए तो जीव अवस्था ये दोनों अवस्थाओं से ले रही है और दोनों अवस्था को दे भी रही है, और ये बिल्कुल म्यूचुअली फुलफिलिंग है, परस्पर पूरक है। अगर किसी जंगल को देखा है ना, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में जो जंगल्स है, तो हम लोग ना पानी डालने जाते हैं, ना पेस्टिसाइड्स, ना पेड़ को लगाने जा रहे हैं, ना पशु का संवर्धन करने जा रहे हैं, लेकिन जब जंगल को उसके अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में जब हम देखते हैं तो दिखता है कि वो हमेशा बढ़ रहा है ना? ये बढ़ रहा, जो जंगल जो बढ़ता है तो ये चक्रीय है, ये जो आवर्तनशील संबंध है और उसका निर्वाह है, उसके कारण जंगलों का बढ़ना हुआ भी दिखता है। अभी एक छोटा सा उदाहरण बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था पैंडेमिक में, लॉकडाउन के दरम्यान हम सारे लोग अपने अपने घर में रहने लगने शुरू हो गए थे, और केवल वो 5-6 महीने के समय में जो न्यूज आ रही थी कि जालंधर से हिमालय दिखने लग गया, दिल्ली का प्रदूषण कम हुआ, मुंबई के गेटवे इंडिया के बगल में ना समुन्द्र में डॉल्फिन्स पाए गए, तो चेन्नई जैसी शहर में पिकॉक्स दिखाई दिए थे। तो इतने कम समय में, 5-6 महीने में ही ये जो आवर्तनशील चक्रीय संबंध है, परस्पर पूरकता है, उसके साथ प्रकृति जहां पर हम भीड़ भाड़ में रह रहे हैं वहां पर भी सजने लग गई थी। अब ये तीनों अवस्था में अगर देखा जाए तो कोई भी वेस्ट नहीं है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है ना, हर चीज चक्रीय रूप से आवर्तनशील प्रक्रिया से गुजरते हुए दूसरे जो चीज है उसको एनरिच कर रही है, उसको समृद्ध कर रही है। तो क्या लगता है, ये जो पूरी प्रकृति है ना, यहां पर व्यवस्था है या अव्यवस्था है? इससे रिलेटेड आप चैट बॉक्स में भी चाहे तो आंसर कर सकते हैं, एक आधा क्विक शेयरिंग को भी सुन पाएंगे हम लोग। दिनेश भैया। हाँ सर जी। सर ये जो धातु लिखा है वो सर समझ नहीं आ रहा हमको। हाँ, जैसी है आयन है, कॉपर है, ब्रॉन्ज है। धातु तो जानता हूँ मैं, लेकिन धातु का जो उसमें कि इसके द्वारा सहयोग किया जा रहा, दिया जा रहा, उसमें एरो बनाया हुआ ना सर। हाँ, ये बना है कि मिट्टी धातु। हाँ, ये सहयोग कर रही किसको? जीव अवस्था को, पशु पक्षी को। पशु पक्षी को धातु कैसे सहयोग करेगी सर? हाँ, देखिए पशु शरीर भी अगर देखा जाए या एनिमल शरीर भी अगर देखा जाए है ना, इसमें बहुत सारे धातुएं, हमारी जो शरीर की रचना जो हुई है है ना, वो धातु, वो फिजियोकेमिकल थिंग से हुई है जिसमें धातु भी है। ठीक, तो जैसे अगर हमारे मानव शरीर में हो या प्रकृति के शरीर में भी अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देते हैं, वो दवाइयों के अगर हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन, वो कंटेंट्स जो है उसको अगर ध्यान से पढ़े तो उसमें बहुत सारे धातु मिले रहते हैं दवाई में। तो सर फिर ये क्या, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये दिख रहा है कि शरीर
की रचना भी, रचना में भी धातु है, और जब भी उस पर्टिकुलर धातु का डिफिशियंसी हो जाता है तो हमारी शरीर की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है ना। तो तो सर वही तो दवाई काम करती है। जी सर बताइए। सर धातु और मिट्टी अलग अलग चीजें हैं हाँ, मतलब। ये पदार्थ अवस्था जो है पूरी, ये हाँ पदार्थ अवस्था के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन लिखने के अच्छा लिए केवल दो ही लिखे हैं, जैसी अच्छा लिखने मिट्टी के लिए है। हाँ, लिखो आपने। हाँ फिर तो ठीक है, वही मैं सोच एग्जाम्पल रहा के था लिए। कि मुझे क्या लगा कि मिट्टी धातु अलग चीज है, मिट्टी अलग चीज है, जबकि वो मिट्टी के ही संबंधित होती है ना सर। हाँ, पदार्थ अवस्था की अलग अलग उदाहरण है। ठीक सर, आप समझ आ गया। ठीक, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। अब इसमें हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है। ठीक, बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट। तो जो प्रकृति की, जो पूरी प्रकृति की जो प्रकृति है, उसमें जो चौथी अवस्था है वो ज्ञान अवस्था है। अभी हम तो प्रकृति का एक अंग है, हिस्सा है, तो ये प्रश्न तो पूछना ही ठीक नहीं होगा कि क्या हम ये तीनों के सिवा, है ना, क्या मानव जीवित भी रह पाएगा, क्योंकि मानव भी तो एक प्रकृति का हिस्सा है। तो मानव शरीर को चलाने के लिए, शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए जितनी भी सुविधा की आवश्यकताएं है, वो एक तो पदार्थ अवस्था से, प्राण अवस्था से या जीव अवस्था से मिल रही है ना। हम जमीन के ऊपर रहते हैं, पानी पीते हैं, पेड़ पौधों को हम खाते हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, ये जो दूध है, दूध से जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है ना, उस प्रोडक्ट्स के साथ, वो भी एक शरीर के एक नर्चर करने के लिए भी वो सारी बातें होती है। जैसे एक जीव अवस्था का एक छोटा सा एग्जाम्पल है ना, जिसे वो बीज कहते हैं, बीज पॉलिनेशन में काम करता है। एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर जब जाते हैं तो वो पॉलिनेशन होता है, जिसके थ्रू हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है। तो अगर एक बीज भी, बीज की भी अगर महत्ता देखी, इम्पोर्टेंस देखी, तो ज्ञान अवस्था के जो मनुष्य है, मनुष्य के शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए, है ना, ये पूरी तीनों अवस्था है। हम नहीं भी रहे तो ये तीनों अवस्था एक व्यवस्था बनी है, व्यवस्था में बनी ही रहेंगी। हमारे होने, शरीर के होने के लिए ये तीनों अवस्था का होना आवश्यक है। हमारी पूरी तरह से निर्भरता है, क्या हम प्रकृति के सिवा सर्वाइव कर पाएंगे। तो आंसर आता है नहीं। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि तीनों अवस्था से हमारे सर्वाइवल के लिए हम ले रहे हैं, वापस हम तीनों अवस्था को क्या दे रहे हैं। जी, ज्योत्सना दीदी, तीनों अवस्था से भी हम खूब ले रहे हैं सारी चीजें। जिस तरीके से तीनों भी अवस्था एक दूसरे से परस्पर पूरक है, क्या हम उस परस्पर पूरकता को निभा पा रहे हैं। रुचि दीदी। जी हेलो दीदी, सर जी, नमस्कार सभी लोगों को। मेरा मेरी आवाज आ पा रही? मेरा हाँ जी दीदी, बस। मानना ये है कि हम लोग वाकई में जो देना चाहिए प्रकृति के साथ जो संबंध है मनुष्य का, अभी आपने जैसे बताया कि जालंधर से हिमालय दिख रहा था, वाकई में बिल्कुल सही बात है, वो हम लोग स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक नजरिए से देखा जाए तो हम अभी सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं मनुष्य, लेकिन प्रकृति ने, मुझे नहीं लगता कि किसी में कोई भेदभाव किया है। उसने मनुष्य को भी उसी दृष्टि से बनाया, उसने बाकी के सब जीव जंतुओं को भी उसी दृष्टि से बनाया, जो चाहे निर्जीव जड़ हो अथवा चेतन हो, सबको एक ही दृष्टि से बनाया। और सुपीरियर का भाव जो है, मतलब सर्वश्रेष्ठ का भाव जो है, वो हम लोगों ने स्वयं पैदा किया अपने अंदर। एक समय शायद डायनासोर के मन में भी यही भाव होगा, लेकिन प्रकृति ने उसको भी नहीं बख्शा। मतलब हम ये सोचे कि हम सबको नष्ट कर देंगे, भ्रष्ट कर देंगे, या अपनी सुविधाओं के अनुसार ढालेंगे, भले ही वो दूसरी चीजें, दूसरे जीव जंतु प्रभावित हो, जैसे मोर की संख्या कम हो रही है, जैसे और जीव जंतु की संख्या कम हो रही है। मैं कोई भी अदरवाइज इस चीज को ना ले, अगर कोई किसी के दिल को ठेस लगे मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैंने
बहुत से मांसाहारियों को, बहुत से मांस खाने वाले को ये कहते हुए भी देखा है कि वो अगर हम ये नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, अगर हम मछलियां नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। अरे भाई, सबसे ज्यादा जनसंख्या तो मनुष्यों की हो रही है, तो क्या कोई हमें खाने वाला भी भगवान को पैदा करना चाहिए? ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य को सामंजस्य स्थापित करने में शायद बड़े बड़े, जो बहुत बड़े बड़े जैसे प्रोफेसर्स हैं या फिर बहुत ज्ञानी व्यक्ति जिनको हम कह सकते हैं, वो लोग भी इस बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। वो लोग सारी सुविधाएं जो है, जो एक खाता तैयार करते हैं, वो सबसे पहले मनुष्यों को ध्यान में रख के करते हैं। आज प्रकृति का सामंजस्य इसीलिए बिगड़ रहा है क्योंकि हम जो भी तैयार करते हैं, जो भी प्लांट्स बनाते हैं, जो भी प्रारूप बनाते हैं, सब सबसे प्रायोरिटी में हम रखते हैं मनुष्य को कि हमारे लिए क्या सुविधाजनक है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया होता, अगर हम वाकई प्रकृति को अपना दोस्त मान के चलते, तो आज शायद हम ज्यादा सुखी होते पहले से। आज जो हमारी कंडीशन है, आज ओजोन परत में छेद हो, या आप देखिए बारिश नहीं हो रही है अब कहीं भी, जहां जहां कनाडा की स्थिति देख लीजिए, इतनी गर्मी जी होने लगी। बढ़िया बढ़िया दीदी, सॉरी थोड़ा सा इंटरप्ट नहीं करता हूँ, नहीं आपका सर, थैंक यू सो लगभग मच। लगभग सारा इनपुट तो पहुँच गया है, और थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनपुट। तो ये दिखता है कि ये तीनों अवस्था परस्पर पूरक है, और मानव शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए हम सारी जो चीजें है ना, पूरी तरह से निर्भरता इस तीनों अवस्था में है। और मानव ज्ञान अवस्था का एक इकाई है जिसमें समझने की क्षमता है। अगर सहस्वीकृति भी अगर देखे जाए, जैसे मैं दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन ए, ये धरती मेरे लिए है, क्वेश्चन बी, मैं धरती के लिए हूँ, क्या है आपका आंसर, ए या बी? मैं चाहे तो उसको दोबारा रिपीट करता हूँ, ए, ये धरती मेरे लिए है, बी, मैं धरती के लिए हूँ। ठीक, बढ़िया। देखिए, अगर हमारी सहस्वीकृति देखी तो मानव में भी सहस्वीकृति है कि हम भी परस्पर पूरक होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये मान लिया है कि ये धरती मेरे लिए है ना, मैं धरती के लिए हूँ। ये अगर दिखाई दिया तो दिखता है कि ये जो अवस्था है, चार अवस्था, इस चार अवस्था में से एक अवस्था मैं हूँ, है ना। तो फिर ये इसके साथ हम वो परस्पर पूरकता को पहचान पाएंगे, और जिस तरीके से ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे को समृद्ध कर रही है, तो वो समझ के साथ हम भी परस्पर पूरक हो पाएंगे। नेक्स्ट, अभी थोड़ा सा क्विकली ये जो चारों भी अवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। जैसे पदार्थ अवस्था अगर देखी जाए तो इसमें केवल पहचानना निर्वाह करना हो रहा है ना, जैसे एक पेड़ है, वो पेड़ जब लकड़ी में कन्वर्ट हो जाता है तो अब वो पेड़ नहीं रहता, वो लकड़ी हो जाती है। तो लकड़ी क्या हुई, एक पदार्थ अवस्था हुई। ये पदार्थ अवस्था है ना, लकड़ी, वो दूसरे पदार्थ अवस्था के साथ में संबंध को पहचानती है और निर्वाह हो जाता है। जैसे वो अगर पानी में गिर जाए लकड़ी का टुकड़ा तो भीग जाएगा, लकड़ी का टुकड़ा अगर आग में गिर जाए तो जल जाएगा, लकड़ी का टुकड़ा जमीन के ऊपर बना रहे तो धीरे धीरे वो मिट्टी में कन्वर्ट होते रहेगा। तो क्या हो रहा है, पहचानना निर्वाह करना। उसी तरह से प्राण अवस्था अगर देखी जाए तो प्राण अवस्था में भी पेड़ और पेड़ पौधों में भी पहचानना निर्वाह करना हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ पेड़ पौधों में वृद्धि भी हो रही है, ग्रोथ भी है, और रेस्पिरेशन भी हो रहा है। लेकिन जब हम जीव अवस्था को देखते हैं तो जीव अवस्था के शरीर में पहचानना निर्वाह करना, वृद्धि हो रहा है और श्वसन प्रश्वसन हो रहा है, लेकिन मय में अगर देखा जाए तो मानना हो रहा है। तो जीव मानने के आधार पर जीते रहते हैं, है लेकिन ज्ञान अवस्था में अगर देखे जाए तो ज्ञान मानव के शरीर में भी केवल पहचानना निर्वाह करना इतना ही हो रहा है। तो मानव शरीर, पेड़ पौधे, पदार्थ अवस्था है ना, वो लगभग एक तरह के ही एग्जाम्पल हो गए, लेकिन मानव मैं और शरीर के सह अस्तित्व में हो। तो स्वयं में अगर जब देखते हैं हम, तो मानने की
पहचानने की, निर्वाह करने की क्षमता है और साथ ही साथ जानने की क्षमता भी बनी हुई है। तो ये जो आदमी अगर इस चीज को जान पाया कि ये प्रकृति में व्यवस्था है, मैं भी इस प्रकृति के एक इकाई हूँ, मैं भी व्यवस्था में होकर व्यवस्था में जीना चाहता हूँ, तो मानव भी प्रकृति के लिए परस्पर पूरक बन पाएगा। नेक्स्ट। लेकिन इसके लिए सबसे आवश्यक जो बात है वो समझने की, क्योंकि मानव समझ के आधार पर ही समझदार बन पाता है और समझदार मानव ही जिम्मेदार भी बन पाता है और जिम्मेदारी के साथ में फिर अपने जो संबंध का निर्वाह भी कर पाता है। नेक्स्ट। आगे बढ़े परीक्षित भैया। वर्तमान की समस्याओं का एक अगर संक्षिप्त में समीक्षा की जाए तो संसाधन का अभाव और प्रदूषण है ना, ये दो बड़ी समस्या दिख रही है। संसाधन जिस दर गति में प्रयोग में लाए जा रहे हैं उसकी प्रकृति में पैदा होने की जो गति है उससे बहुत अधिक है ना। कहा जाता है कि 1 लीटर पेट्रोल धरती के अंदर बनने के लिए 1000 साल की प्रक्रिया है कम से कम। तो 1000 साल की प्रक्रिया से 1 लीटर का पेट्रोल बनता है, लेकिन उस 1 लीटर पेट्रोल अपने गाड़ी में के टंकी में डालकर है ना उसको जलाने के लिए कितना समय लग जाता है। तो जिस जैसी एक कोई एक पेड़ है, उस पेड़ को बढ़ने के लिए अगर 10 साल लगते हैं प्राकृतिक विधि से तो 10 साल ही लगने वाले हैं। लेकिन मानव की जो एक मूलभूत जो भ्रम बना हुआ है कि मैं बराबर शरीर और सुविधा बराबर सुख, तो सुखी होने के लिए जब हम सुविधा का सहारा ले रहे हैं तो आवश्यकता से बहुत अधिक सुविधा का संग्रह कर रहे हैं। और अगर कोई भी हमारी सुविधा देखी तो उस सुविधा का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? प्राकृतिक जो रॉ मटेरियल है उनके सिवा तो हम कोई भी सुविधा को मैन्युफैक्चर भी नहीं कर पाते, प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे ना। तो ये इसके चलते संसाधन का अभाव दिख रहा है। उसी तरह से प्रदूषण की भी अगर देखी जाए तो एक प्रकृति में चक्र है ना, जिसकी वापस जाने की भी गति है। जैसे फॉर एग्जांपल पेड़ पौधे अगर देखे जाए तो इनका जो खाद है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे कोई एक गांव है, उस गांव में 40 चूल्हे है, 40 चूल्हे के ऊपर खाना बनाते हैं लोग है ना, और वो चूल्हे जलाने के लिए भी अगर लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है तो 40 चूल्हे से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना होगा, वो अगर हम थोड़ा सा अनुमान लगा पाए तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को शोषण करने के लिए कितने पेड़ भी लगाने चाहिए वो भी समझ में आ जाएगा। और जो चूल्हे में जलाने के लिए हम जो लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं है ना, वो भी कितनी लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं वो भी दिखाई दिया। तो उसके साथ में वो लकड़ी को हमारे चूल्हे तक आने के लिए और कितने अधिक पेड़ की आवश्यकता है हम वो भी कर पाएंगे। तो हम प्लांट्स को भी लगा पाएंगे, उनका संवर्धन भी कर पाएंगे है ना। एक जनरल स्टडी के अनुसार तो ये दिखता है कि अगर कोई व्यक्ति 60-70 साल भी जीता है तो चार बड़े वृक्ष होते हैं ना, वो चार बड़े वृक्ष के आधार साथ में वो पूरी अपनी 60-70 साल की जिंदगी बना सकता है, चला सकता है। उसमें उसके वो सोने के लिए तख्त भी आ गया, जलाने के वो खाना बनाने के लिए लकड़ी भी आ गई, कुछ बैठने के लिए कुर्सी भी आ गई है ना, सारी चीजों के लिए जोड़कर भी देखा जाए तो चार बड़े वृक्ष। तो आदमी समझ के साथ में तो इसी प्राकृतिक नियम में जिस तरीके से जो गति है ना, एक नए वृक्ष का तो बनना तभी शुरू हो जाता है जब कोई एक पंछी किसी एक डाल पर बैठकर वो फल खाता है और फल खाते खाते वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ जब उड़ने लग जाता है तब कुछ जो बीज नीचे गिर जाती, जब जो बीज नीचे जाकर पदार्थ अवस्था के संपर्क में आ जाती है और फेवरेबल कंडीशंस में वहां पर पेड़ बनना है, ये प्रकृति की गति है। लेकिन मानव अगर समझदार बन जाए, मानव अगर इस व्यवस्था को समझ पाए तो एक समझदार मानव जितने पंछी पेड़ लगा पा रहे है ना, उससे तो कई गुना पेड़ एक मानव एक दिन में भी लगा पाएगा और उसका संवर्धन भी कर पाएगा। तो वर्तमान की समस्या जो दिख रही है वो तो समझ में कमी के कारण है। नेक्स्ट।
जब हम मानव से रिलेटेड भी जितनी भी समस्या देख रहे थे, तो वहां पर भी यही एक निष्कर्ष निकल के आ रहा था कि मानव समझ के साथ जीना चाहता है, लेकिन समस्याएं तो जो बनी है वो समझ के अभाव के कारण ही बनी है। जैसे पूरी प्रकृति की व्यवस्था अगर देखी जाए, इसमें जो चार व्यवस्था अवस्था है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था, इनको संख्या के रूप में भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी है पदार्थ अवस्था, है ना। जिस अवस्था के ऊपर बाकी तीन अवस्था निर्भर है वो संख्यात्मक भी सबसे बड़ी है। पदार्थ अवस्था से कम है पेड़ पौधे, वो पदार्थ अवस्था से कम है, लेकिन जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था के शरीर के लिए जितनी भी आवश्यकता है उससे बहुत अधिक पेड़ पौधे हैं ना। किसी घने जंगल में चले जाए तो फिर दिखता है कि कितने कितने नंबर पर पेड़ है। तो क्वांटिटी भी अगर देखे जाए तो प्राण अवस्था की जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था से अधिक है। ज्ञान अवस्था की निर्भरता जीव अवस्था पर है, प्राण अवस्था पर है, पदार्थ अवस्था पर है। तो ये तीनों भी अवस्था जो है ना, ये बहुत अधिक है संख्या के रूप में अगर देखा जाए। तो ज्ञान अवस्था की बात की तो हमारा पॉपुलेशन लगभग 800 करोड़ के आसपास है पूरी दुनिया का ना। ये जो 800 करोड़ की जो आबादी है, वो आबादी दुनिया की किसी एक कॉन्टिनेंट में भी अगर रख दिए जाए तो सारे लोग अच्छी तरह से जी पाएंगे। लेकिन इतनी सारी जो संसाधन है ना, जिसे जिस संसाधनों के साथ शरीर का पोषण संरक्षण सदुपयोग होता है, उन संसाधनों को भी अगर देखा जाए तो दिखता है कि आवश्यकता से तो बहुत अधिक संसाधन है। बस केवल एक मानव को समझना है। ये एक छोटा सा जो भ्रम जो है ना कि मानव की इच्छाएं अनंत है और उसको पूरी करने के लिए संसाधन की कमी है, इस छोटी सी एक भ्रम के कारण हम अधिक से अधिक संसाधनों को इकट्ठा करने लग जाते हैं। क्योंकि संसाधनों से हमें सुखी होना है, लेकिन चाहे जितने भी सुविधा को इकट्ठा कर ले सुखी नहीं हो पाते, तो और अधिक हम सुविधा को इकट्ठा करने करने लग जाते हैं। लेकिन इसी को अगर ध्यान से देखा जाए ना, हमारी चाहना क्या है, तो दिखता है हमारी चाहना निरंतर सुख और समृद्धि पूर्वक जीने की है। केवल एक लाइन में हम हमारी चाहना को लिख सकते हैं सही समझ के आधार पर। और वो जो निरंतर सुख पूर्वक जीने के लिए सही समझ और सही भाव की आवश्यकता है, समृद्धि के लिए, इसका मतलब शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग के लिए सुविधा की आवश्यकता है। और फिर ये दिखता है कि जो आवश्यक सुविधा है वो मानव के लिए ना, उसकी जितनी आवश्यकता है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकृति में है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड जाए भैया। तो ये समझना है ना, ये स्वयं में सही समझ को विकसित होना कि ये प्रकृति व्यवस्था में है, ये जानना ही व्यवस्था को समझना है। और इस व्यवस्था को समझकर मानव भी अपने में व्यवस्था में जी पाता है, और जो मानव को स्वाभाविक रूप से सहज स्वीकृत भी है। नेक्स्ट। तो 4:30 बज रहे हैं, इसके साथ आज के गृह कार्य का समय हुआ है। प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता को सुनिश्चित करने के लिए किन्हीं 5 कार्यक्रम का उल्लेख करें व्यक्तिगत, एक व्यक्ति के रूप में। छोटी छोटी बातें है ना, जब हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं, बेसिन का नल चालू हो जाता है, तो जो बेसिन का नल चलते रहता है और ब्रश भी चलते रहता है, हालांकि जब हम ब्रश कर रहे हैं तब तो नीचे पानी की आवश्यकता नहीं है। तो छोटी, जिस कमरे में मैं बैठा नहीं हूँ वहां की अगर बिजली चल रही है, वहां का फैन चल रहा है ना। तो व्यक्ति के रूप में भी अगर देखा जाए, मैं मार्केट में जा रहा हूँ तो कपड़े की थैली लेके चले जाए, संगठन के रूप में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। समाज के एक भाग के रूप में भी देखा जाए तो बहुत सारी बातें हो सकती है। इसके अतिरिक्त 2005 की डॉक्यूमेंट्री को आप देखना पसंद कर सकते हैं, एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ। तो इवनिंग में जब भी आपको समय मिले तो आप उसको देख सकते हैं। जितनी भी बातें हुई उसको संक्षिप्त रूप में अगर रखा जाए तो प्रकृति इकाइयों का समूह है, और ये इकाइयां 4 अवस्था में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। उसमें से एक है पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। और ये चारों अवस्था में परस्पर पूरकता है, संगीत है, व्यवस्था है। मनुष्य को
इस मनुष्य की भूमिका इस पर परस्पर पूरकता को समझने की है। इसलिए मनुष्य को केवल इतना ही करना है, नंबर एक ये समझना है कि परस्पर पूरकता प्रकृति में अंतर्निहित है, हमें इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा इसके अनुसार जीना है, तब चारों अवस्था के बीच में परस्पर पूरकता समझ में आ जाएगी। तो जो प्रकृति की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझकर हम व्यवस्था में जीना चाहते हैं। इतनी बात मैं रखना चाहता था मेरे तरफ से। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी परी मिस भैया, बहुत बहुत धन्यवाद और इंटरेक्टिव इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए और चर्चा को भी समय में रखने के लिए। और यहाँ समय भी हो रहा है तो मैं हमारे साथ श्री अखिलेश अर्गल जी हैं, उनका कंक्लूडिंग रिमार्क लेना चाहूँगा और फिर सेशन को क्लोज करना चाहेंगे। जी भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, सभी को नमस्कार। मेरे ख्याल से हम लोग धीरे धीरे अपने से शुरुआत करके प्रकृति तक आ गए हैं और आज जो बातें हुई, मेरे ख्याल से ये बातें शायद हमारे सभी लोगों के जहन में उठती होंगी कि प्रकृति के साथ में जो हम लोग अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार ही कहें उसे, तो उसमें हम कहाँ पे अपनी भूमिका देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इस पर सभी को विचार करने की जरूरत है और अगर हम लोग अपना कहीं भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं इस दिशा में, तो शायद हम एक बेहतर वातावरण तैयार कर सकेंगे। धन्यवाद भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो इसी के साथ हम लोग सेशन को यहाँ पे अब रुकना चाहेंगे और सभी पैनलिस्ट का, रिसोर्स पर्सन का, पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग पुनः 9 बजे सेशन की स्टार्ट करेंगे आपके रिफ्लेक्शन और शेयरिंग को सुनने के लिए, और 9:30 बजे फॉर्मली सेशन को शुरू करेंगे। सभी को धन्यवाद। सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भैया नमस्ते।